नमस्ते बच्चों, आज मैं राजस्थान की पाषाण संस्कृति के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। यह हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान में पूर्व पाषाण काल युगीन एवं उत्तर पाषाण युगीन मानव जीवन के राजस्थान में अनेक स्थानों पर अवशेष मिले हैं। डॉक्टर विजय कुमार के अनुसार पाषाण युगीन संस्कृति का प्रसार राजस्थान के अनेक प्रमुख एवं सहायक नदियों के किनारे जैसे जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, झालावाड़, जालौर, पाली, टोंक आदि जिले में हो चुका है। विद्वानों की मान्यता है कि राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में सहस्त्रों एवं पूर्व समुद्र था और सरस्वती तथा द्वादशवती नदियाँ इनमें आकर मिलती थी और इन नदियों के कांठे मानव जीवन की गतिविधियों के केंद्र थे। राजस्थान का अरावली पर्वत हिमालय से भी प्राचीन है। समुद्र के संकुचन से यहाँ मरुस्थल बन गया और समयोपरांत ये नदियाँ सूख गई और अब वहाँ केवल बरसाती नदी के रूप में घग्गर नदी बहती हुई दिखाई देती है। सरस्वती, चंबल, भड़ेज, बनास, गंभीरी, आहाड़ और लूनी नदियाँ और अरावली की श्रेणियों के किनारे और गड्ढों में जमी हुई परतें उसके आसपास के क्षेत्रों में मिलने वाले पत्थरों के औजारों से इस बात को प्रमाणित करते हैं कि राजस्थान मानव उद्भव वाले विश्व के प्राचीन भूभागों में से एक अति प्राचीन भूभाग है। हालांकि अभी राजस्थान में राजस्थान विद्यापीठ के इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान स्टडीज़ के निर्देशक डॉक्टर देव कोठारी और डेक्कन कॉलेज पुणे के निदेशक डॉक्टर वीएन मिश्रा के संयुक्त निर्देशन में उदयपुर संभाग का सर्वेक्षण किया गया। यह सर्वेक्षण 19 मार्च से 30 मार्च 1993 की अवधि में किया गया। सर्वेक्षण के क्षेत्र में उदयपुर संभाग के चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिलों की कपासन, वल्लभनगर, रेलमगरा, राशनी और सुहावना तहसील ने थी। इन सर्वेक्षण से यह पुष्टि हुआ कि मेवाड़ क्षेत्र में इतिहास का प्रवाह सतत रहा है और इस क्षेत्र से प्रागैतिहासिक काल के से लेकर गुप्तकालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पूर्व पाषाण कालीन सभ्यता के स्वरूप का अनुमान लगाने वाले इतिहासकारों ने इस युग का आरंभ आज से लगभग 6 लाख वर्ष पूर्व का माना है। राजस्थान में इस युग से संबंधित प्राप्त सामग्री का अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि प्राय सभी देशों के प्रारंभिक इतिहास का स्वरूप एक सा है। राजस्थान के पूर्व पाषाण युग के समान जो सामग्री मिली है वह उससे आदि मानव और उसके औजार, उनके निवास स्थान और जीवन निर्वाह के अवशेष, आर्थिक जीवन और सामाजिक एवं धार्मिक जीवन का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। राजस्थान के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर ये जो पाषाणकालीन जो औजार हैं वो विस्तृत मात्रा में मिलते हैं। इस युग में मनुष्य पूर्णतः प्राकृतिक जीवी था। वह स्वतः ही उत्पन्न होने वाले कंदमूल, फल, फूल, आखिर में मारे गए जानवरों के मांस एवं नदियों या झीलों के तटों पर पकड़ी गई मछलियों से ही अपना पेट भरता था और इसलिए उसे इधर उधर भटकना भी पड़ता था। वह मूलतः छोटे मोटे जानवर जैसे हिरण, भैंसे, सुअर और छोटे छोटे जानवरों का शिकार करके अपना पेट पालता था, लेकिन इस काल में शायद वह आग जलाने की प्रक्रिया से को नहीं जानता था। यह कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जो प्राचीन मानव के बारे में हमें जानकारी देती है, विशेष रूप से राजस्थान के संदर्भ में। तो राजस्थान में
आदि मानव के अवशेष मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल में भी मिलते हैं, जिसमें मध्य और उत्तर पाषाण काल की मुख्य विशेषता ये थी कि उनके जो निवास स्थान और औजार जो थे उनमें समय की गति के अनुसार उनमें भी बदलाव हुआ था, और उस बदलाव के साथ साथ उसने भोजन और आग का प्रयोग भी प्रारंभ कर दिया था। वह वस्त्र भी पहनने लग गया था और आभूषणों का भी धारण करने लग गया था। इस प्रकार से जो उसका पारिवारिक जीवन, धार्मिक जीवन इत्यादि, यहाँ तक कि भाषा और कला का भी विकास हो गया था। तो पाषाण काल के अंतिम जो फेज़ है उसमें राजस्थान में ताम्रकाल प्रारंभ हो जाता है। ताम्रकाल में जो विशेष चीज़ है कि यहाँ तांबे का प्रयोग सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया। खेतड़ी हमारे राजस्थान में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सबसे प्राचीन तांबे के अवशेष मिले हैं। अब प्रश्न यह कि पाषाण युग की देन क्या है। राजस्थान का आदि निवासी भारत के अनेक आदि निवासियों की भांति नितान जंगली था। वह पशुओं से जिनका शिकार करता था, एक ही सीढ़ी के ऊपर मतलब पशुओं का शिकार करके अपने जीवन का यापन करता था। और उसकी जो विशेष बात है, जो जिसको यदि हम कहें कि भारतों इतिहास में उन्होंने क्या दिया, तो वहाँ खेतीबाड़ी का प्रयोग व्यवसाय के रूप में प्रचलित हो गया था। विभिन्न फसलों का उपजाना चालू हो गया था। पशुपालन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। अग्नि और धातुओं का प्रयोग होने लगा था। प्रदेश के आंतरिक भागों में यातायात के सुगम मार्गों की खोज हो गई थी। पशु भूत प्रेत वृक्षों आदि की पूजा होती थी। वनस्पति विज्ञान, जड़ी बूटी की पहचान हो गई थी। ऋतु की पहचान हो गई थी। आखेट की कला वह जान चुका था। इस प्रकार से ये जो कुछ चीज़ें हैं जो हमें प्राचीन पाषाणकालीन युग की देन है। इसी संदर्भ में राजस्थान में सिंधु पूर्व और सिंधु सभ्यता के प्रसार कहाँ कहाँ हुआ था, इसके बारे में मैं आपको कल बताऊँगा। धन्यवाद।